इस न्यूज को सुनने के बाद अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेरा फेरी 3 की अपडेट को लेके, जिसको लेके एक बहुत कमाल की अपडेट निकल के आई है। तो अगर आप लोगों को उस अपडेट को जानना है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो को और देर ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, वीडियो को शुरू करते हैं तो कुछ टाइम पहले एक ऐसी न्यूज निकल के आती है कि हेरा फेरी का तीसरा पार्ट बन रहा है, और वो भी अपनी ओरिजिनल कास्ट के साथ, जिसके बाद फैंस लिटरली इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए थे। बट इसके साथ में एक ऐसी खौफनाक न्यूज निकल के आती है कि इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम फरहाद सामजी को पैसा बर्बाद पहन चोर, जिसके बाद फैंस की खुशियों की और फैंस की एक्साइटमेंट की ऐसी मां बहन हुई है जिसके बारे में पूछो मत। लेकिन फैंस तो फैंस हैं, फैंस लग गए ट्विटर के ऊपर #replaceFarhadSamji from Hera Feri 3। इस तरीके से ट्रेंड हुआ कि फाइनली 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 एक कल या परसों, लाइक दो दिन पहले एक ऐसी न्यूज निकल के आती है कि फरहाद सामजी को हेरा फेरी 3 से एज डायरेक्टर रिप्लेस कर दिया गया। यस, ये बात कंफर्म है कि फरहाद सामजी अब हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट नहीं करने वाले। जिसके रिस्पांस में, जिसके अगेंस्ट में फरहाद सामजी ने ये बात बोली है एक इंटरव्यू के अंदर कि जो लोग ट्विटर के ऊपर इस ट्वीट को ट्रेंड करा रहे हैं या मेरे को डायरेक्ट करने से रोकने वाले होते कौन है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और इसके साथ में उन्होंने एक बात और बोली कि जिस तरीके से किसी का भाई किसी का जान बॉक्स ऑफिस के ऊपर नंबर लेकर आ रही है, शायद 60-70 करोड़ के आसपास उसने अब तक कमाई कर ली है, उनको कोई समझाओ भाई साहब कि जो स्टारडम होता है, सलमान खान का स्टारडम है, उसके ऊपर वो अभी चल रही है। और मूवी कैसी है हम लोगों ने देखा है और सब लोगों को पता है कि मूवी किस तरीके की है, मूवी का डायरेक्शन किस तरीके का, मूवी की स्टोरी किस तरीके की है, तो उसके बारे में बात ना की जाए तो बढ़िया रहेगा। इसके साथ में उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि जो अक्षय कुमार की लाइफ टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है यानी कि हाउसफुल 4, उसको उन्होंने डायरेक्ट किया और राइट किया, विच इज एक्चुअली राइट। बट अब ऑडियंस इतनी समझदार हो गई, उनको पता है कि क्या चीज चलने वाली है क्या चीज नहीं चलने वाली है, क्योंकि इसके साथ में उन्होंने बच्चन पांडे को लिखा है, डायरेक्ट किया है, और साथ में पॉपकॉर्न के डायलॉग और स्क्रीन पे इन्होंने इसको लिखा है और डायरेक्ट किया है। और किस तरीके के लेजेंडरी कास्ट होने के बाद भी शिटी डायलॉग्स, व्हाट्सएप वाले जोक्स, मतलब अच्छे वाले शो की। तो अब फाइनली इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मूवी अब थोड़ा सा डिले होने वाली है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट हम चाहते हैं कि आपको जो भी कंटेंट मिले वो एक ऐसा कंटेंट मिले जो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहे। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, एक अच्छी न्यूज थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आप लोग इस न्यूज से कितने ज्यादा एक्साइटेड हो और आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो और ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइव 33।